कहानियाँ जो कही जाती हैं, सुनाई जाती हैं हैशटैग किस्सा में, वो सारी कहानियाँ हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है उम्मीदों का दिया। हर किसी की अपनी अपनी कहानी होती है, बस कुछ कहानियाँ सुनाई देती हैं और कुछ खामोश हो जाती हैं। आज की कहानी संजीव की है। साल 2021 की बात थी, पूरा देश उस वक्त में कोविड की परेशानियों से लड़ रहा था। दूसरी लहर ने बहुत से लोगों को अपनों से दूर कर दिया था। कोविड की आग जिस घर को छूती थी वो घर लगभग तबाह होता जा रहा था। एक दिन इसी बीमारी की लहर संजीव के घर भी पहुंच गई। संजीव, उनकी पत्नी और उनका बेटा, तीनों लोग कोविड पॉजिटिव हो गए थे। आसपास बहुत सी खबरें आ रही थी कि लोगों का बहुत नुकसान होता जा रहा है। टेलीविजन की स्क्रीन दुनिया छोड़ते लोगों के लगातार आंकड़े गिना रही थी। हर जगह बस डर का माहौल था। लोग दुआ कर रहे थे कि किसी को भी ये बीमारी ना छू ले। संजीव के परिवार के साथ ये बीमारी एक मुसीबत बनकर चली आई थी। उनकी पत्नी, वो और उनका बेटा आदित्य जैसे तैसे अपने दिन बिता रहे थे। दवाएं चल रही थी, सब आइसोलेशन में थे और घर में टीवी बंद हुआ पड़ा था। धीरे धीरे पत्नी और बच्चे ने तो रिकवर करना शुरू कर दिया था, लेकिन संजीव की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो हिम्मत हार चुके थे और अब बस गुजरते वक्त को गुजरते हुए देख रहे थे। उन्होंने सोचा था शायद अब ठीक होना मुश्किल होगा। बंद कमरों में अंधियारा तब तक रहता है जब तक उसे रोशनी ना मिले। संजीव चाहते भी तो आखिर क्या कर लेते। उन्होंने सोचा तो था कि सब कुछ सही होगा, लेकिन शरीर और बीमारी के आगे वो मजबूर हो गए। वैसे भी जिन चीजों पर खुद का बस नहीं होता, उन चीजों के लिए क्या ही किया जा सकता है। संजीव याद कर रहे थे अपनी जिंदगी के बीते दिनों को, कि कैसे वो हर लम्हा खूबसूरती से बिताया करते थे। उनको अपने परिवार के साथ बिताए हुए दिन याद आते थे। एक सुबह जब वो उठे तो न जाने उन्हें क्या सोचा, उन्होंने अपने बचपन के शौक को दोबारा से जीने का सोचा। कोविड की बीमारी में वैसे भी वो पूरी दुनिया से कटे हुए थे, तो ऐसे में बिल्कुल सही वक्त था खुद के लिए कुछ करने का। संजीव ने पेंसिल और पेपर अपनी ड्रॉअर से निकाले और उन्हें अपनी कल्पनाओं से संजोना शुरू कर दिया। किसी जमाने में फाइन आर्ट की पढ़ाई की थी उन्होंने, लेकिन नौकरी ने इस चीज से उन्हें बिल्कुल दूर कर दिया था। अब जब वो पूरी दुनिया से अलग रह रहे थे, यही शौक उनके पास वक्त बिताने का जरिया बन गया। अरसे बाद अपने शौक को दोबारा जिया उन्होंने। उनका ध्यान थोड़ा निराशा से हटकर अब उम्मीदों की तरफ मुड़ रहा था। कौन जानता था कि संजीव का ये फैसला उनकी जिंदगी बदल देगा। उस शाम संजीव बहुत सुकून से सोए थे। अगली सुबह एक अलग एहसास था उनको। उन्होंने आज सुबह से ही पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। अब जो उम्मीद कहीं खो गई थी वो दोबारा जगने लगी। अंधेरों से लड़ने के लिए एक रोशनी की किरण ही काफी होती है। संजीव की देखा देखी उनकी पत्नी भी उनका हौसला बढ़ाने लगी। वो खुद तो रिकवर हो ही रहे थे, साथ में अपनी फैमिली को भी नया हौसला दे रहे थे। उनका बेटा आदित्य भी इस बीच किताबों से मिलने लगा। किताबों से वो कुछ ऐसा जुड़ गया कि उसने कविताएं लिखना शुरू कर दिया। एक उम्मीद पूरे परिवार को जगाने लगी थी। धीरे धीरे सभी लोग ठीक होते जा रहे थे और समस्याओं का समाधान मिलने लगा था। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई इस परिवार के साथ। पूरा परिवार अब बदल गया है पूरी तरह से। संजीव और उनकी पत्नी की बनाई पेंटिंग्स लोग दूर दूर से खरीदने आते हैं। आदित्य की एक किताब पब्लिश हो चुकी है। उनका परिवार अब बिल्कुल स्वस्थ है और वो उस बुरे दौर को भी शुक्रिया कहते हैं। उनका मानना है कि अगर जिंदगी में बुरा दौर ना आता तो शायद वो कभी भी खुद को पहचान नहीं पाते। आज रेडियो पर ये जो कहानी आप सुन रहे हैं, ये सिर्फ कहानी नहीं है, सच है एक परिवार का, जो मुश्किलों में उलझते हुए अपनी सुलझने ढूंढ लाया। उम्मीदों के दिए जलाते हर परिवार को मोहब्बत, हर उस इंसान को सलाम जो हारा नहीं लड़ रहा है अभी तक। यकीन रखिए, अगर आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा जरूर होगा।